सर आप तो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं जो हम ट्वेंटीज़ में लोग होते हैं ना हमें इतना क्लैरिटी होती नहीं अपने बारे में तो कॉन्फ्लिक्ट आता है जैसे मैं ही सर अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि वो पेरेंट्स कहते हैं कि नॉर्थ में सर नाइन आउट ऑफ टेन लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कि आसान होती है और एस वगैरह आपने सुना होगा सर रिजल्ट भी बहुत लेट लेट आता है बट फिर मेरा इस साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया मुझे योगा में भी इंटरेस्ट आ गया तो फिर दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि वो सेफ साइड तो पता है कि ये तो करके मिल जाएगा यहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है करते हुए कि ये करे वो करे तो इतना क्लैरिटी आपको कैसे आ जाता है अपने बारे में सो योर क्वेश्चन इज बेसिकली कि अगर जैसे आपके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो आप अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो आई एम श्योर इंडिया में कितने लोग कर रहे होंगे सर बहुत लोग मतलब वैकेंसीज इतनी कम होती कर रहे हैं, हैं। हाँ। और वैकेंसीज लिमिटेड हैं सर बहुत लिमिटेड और प्रोसेस बहुत लंबा होता है लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं जो लोगों का प्राइम यूथ टाइम होता है ना वो पढ़ते हुए ही निकल जाता है सर चलो मैं और तो नहीं कह सकता कि वो लोग क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बट आप क्यों कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है सर घर में तीन चार लोग उसी जॉब में थे तो वो जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि यही अच्छा ऑप्शन है तो अब खुद को भी लगता है यही अच्छा ऑप्शन है इजी है ज्यादा मतलब कहते हैं प्राइवेट के धक्के मत खाओ और मतलब ज्यादा प्रेशर होता है ये सारी चीजें तो, तो वो माइंड में कंडीशनिंग तो वही लगता है अब खुद को भी लगता है की यही अच्छा ऑप्शन अब ये जो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वहाँ से और क्लैरिटी आ रही होगी कि एग्जैक्टली exactly क्या हो सर हाँ है? मैं इतना समझवाती हूँ कि मेरी कंडीशनिंग हुई है बेसिकली आपने अपने घर में ये सुना होगा बचपन से ही या देखा भी होगा कि जब भी कोई बात होती है जॉब की तो वो अपनी तारीफ करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तारीफ करते हैं और प्राइवेट जॉब की बुराई करते हैं या हाँ। ये कह लो किसी की फैमिली में कोई प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो बोलते देखो उसका हाँ। ये हाल हो गया और, अगर, और हम कितने सेफ हैं हम कितने सिक्योर हाँ। और अगर कोई अच्छा कर रहा हैं तो कह रहे वो तो एक्सेप्शन राइट एग्जैक्टली अगर कोई अच्छा कर जाए प्राइवेट जॉब में तो वो तो एक्सेप्शन है ऐसे कितने होते हैं हजारों में कोई हाँ, होता वो है वो तो, हो तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा या उसमें हो कि हो आप को किसी भी जस्टिफाई करते चले जाते हैं मतलब कि सिर्फ उन्ही के माइंड में एक ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है ये आपके माइंड में भी कही कहीं ना कहीं बैठ गया है किसी को कंडीशनिंग कि ये सही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है कोई सरदर्दी नहीं है सिक्योरिटी है पूरी क्योंकि मैं पूरी तरह से इस थॉट प्रोसेस को गलत भी नहीं कह सकता बिकॉज अगर अभी हम इंडिया की हिस्ट्री को बारीकी से देखें तो हमको समझ आएगा अभी कुछ ही साल पीछे मतलब मे बी चालीस पचास साल पीछे लोगों ने एक्चुअल में भुखमरी देखी है इंडिया में हाँ। और तब उन्होंने ये रियलाइज किया है कि जिसके पास में एक सेफ और सिक्योर जॉब थी यानी कि गवर्नमेंट जॉब थी वो तो बच गया लेकिन जब इकोनॉमी में रिसेशन आया या कोई भी प्रॉब्लम आई बाकी फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी सेफ नहीं रहेगी धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं तो एम नॉट श्योर फ्यूचर में क्या होगा 20-30 साल बाद

क्योंकि आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कम है तो आप बैकअप प्लान सोच करके चल रहे हो सर बैकअप भी नहीं और ये भी लगता है कि थोड़ा बोरिंग होगा कि मतलब सेम गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसे जैसे प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो आप चेंज करने में डर हो गया और फिर से कंपटीशन कौन फेस करेगा तो एक ये भी लगता है लगता है जो साइकोलॉजी में जैसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर जैसे योगा वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर यहाँ पे ना इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दिमाग में कि समझ नहीं, नहीं, आता ऐसा नहीं है डूइंग वॉट यू इंजॉय डूइंग इज एनी डे बेटर देन डूइंग वॉट यू डोंट लाइक डूइंग I'm assuming कि हुँ. जब लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो वो कहते हैं कोई भी मिल जाए कैसे कोई कैसी भी, भी हाँ, हाँ सर यही वर्ड होता है कि पहले तो कुछ भी मिल जाए फिर देख कुछ हुँ. भी मिल जाए हुँ. बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है काम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं वो है पता भी नहीं होता नहीं? वो पता भी नहीं होता है बहुत नहीं? तो वो तो ज्वाइन करने के बाद ये, तो. अच्छा, ये करना है मेरे को ये अब ऐसे करना है वैसे करना है वो करना है ना हाँ, कर बस हो गया तो बेसिकली वहाँ पे चैलेंजेस कम से कम है जब चैलेंजेस कम है तो ग्रोथ भी कम है ऑल्डो मैं ये सब बोल रहा हूँ बट एक्सेप्शन कुछ है जहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी है बट कम्पेरेटिवली जो लोगों का माइंड है वो ये नहीं है कि मेरे को ग्रो करना है इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ उनको चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी यही होता है सिंपल वे में जो इंडियन डायलॉग एक टिपिकल हुँ. हर घर में चलता है लाइफ सेट हो गई जी इसकी हुँ. तो अब हमको इस बच्चे की टेंशन तो खत्म हो गई दो हुँ. बच्चे हैं माँ बाप के तो इस बच्चे की हमको टेंशन खत्म हो गई क्योंकि इसकी तो नौकरी लग गई अभी इसकी टेंशन है इसको सेट करना है सेट पता नहीं कहां से आया ये वर्ड तो ये इसके पीछे की पूरी की पूरी साइकोलॉजी बिहाइंड ये जो गवर्नमेंट जॉब है तो अब एक ऑप्शन तो आपके पास में ये है क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको नहीं बोल रहा बट आपको ध्यान से समझना होगा दोनों के अपने प्रोजेक्ट कॉन्स क्या है दूसरा जो आप कह रहे हो कि अभी कुछ टाइम से आपको इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी में और अब उसमें आप अपना करियर परस्यू कर रहे हो बट वहां पे श्योरिटी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा तो ये अपने आप में एक माइनस पॉइंट भी है प्लस पॉइंट भी है अच्छा क्यों क्योंकि श्योरिटी नहीं है मतलब क्या कम की भी नहीं है और जादा की जादा भी, भी, नहीं। भी, भी नहीं है होता क्या है कि कई बार लाइफ में जिसको हम बहुत आसान रास्ता समझ रहे होते हैं ना वो में बहुत मुश्किल होता है <laughs> हाँ सर आप बेसिकली एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप समझते हो ये जो बायसेस होते हैं हमारे माइंड हाँ, में वो किस तरीके से काम करता है कंफर्मेशन हाँ, बायस बहुत सारे बहुत तरह के बायसेस होते हैं हमारे माइंड में जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था काफी साल पहले आपने शायद उसके बारे में पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी की फील्ड में उसमें क्या हुआ था कि कि एक 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 साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट को रख दिया और सामने बहुत सारे लोगों को बिठा दिया और सबको बोला कि अब आप सोचो कि ये फ्लावर पॉट हवा में उड़ जाएगा और आपके सोचने से ये हवा में उड़ जाएगा तो लोगों ने सबने मिल करके सोचना शुरू कर दिया वहां पे कुछ म्यूजिक लगा दिया कुछ हिम्स लगा दिए वो बैकग्राउंड में चल रहे थे और लोग सोच रहे थे उड़ेगा 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 थोड़ी देर में वो उड़ गया अच्छा उड़ गया पूरा प्रॉपर मतलब उड़ गया गया इन द सेंस ये अगर टेबल है तो इस अच्छा। तो इससे इतना ऊपर आ अच्छा लोग हैरान रह गए उनको लगा कि भाई हमने सबने मिल करके सोचा तो थॉट में इतनी पावर है जैसा नॉर्मली लोग बात भी करते हैं कि हम सबने मिल करके सोचा उसकी वजह से ये हवा में उड़ गया जबकि उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अच्छा, इसको कंट्रोल कर दिया था okay. सेम मैजिक में होता है हाँ। मैजिक में बहुत कुछ करते है, लेकिन नहीं होता है। किसी इंसान को उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक होती है अब वहां पे क्या हुआ मजेदार बात यह हुई कि सिटिंग ओवर देर एक इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती थी यानी सुपर पावर्स कि हम सोच करके जो चाहे वो कर सकते हैं तो उस लेडी को वहां पर एक्चुअल में एक ग्रे कलर की फील्ड नजर आई मतलब जो हम हम सोचते हैं वो ही हमें देखने दिस हर हर बायस, कंडीशनिंग, हाँ. जिसके बेस पर उसको कुछ दिखा हुँ. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग चीज है उसके अकॉर्डिंग हमको दिखने तक लग जाता है हुँ. वहीं पर एक और लेडी बैठी हुई थी जो की फिजिसिस्ट थी वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी उसने जब सब लोगों को देखा हैरान होते हुए शोर मचाते हुए तो वो सोच में पड़ गई कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो गमला तो अपनी जगह पर ही है वो तो अपनी जगह से उठा ही नहीं है मतलब अच्छा उसके लिए वो गमला ही नहीं उठा उसे वहीं पे ही दिखा उसे वहीं पे दिखा अच्छा। उसे ऐसा लगा कि वो उठा ही नहीं है क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली मानती थी कि ये सब चीजें बकवास है ऐसा हो ही नहीं सकता पहली वाली ने क्या किया उसने तो इमेजिन कर लिया ऐसी एक फील्ड को जिस भी तरह से उसने मूवीज में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा या सोचा होगा या पास में इमेजिन किया होगा वो इमेजिनेशन उसके ऊपर थोप दी रियलिटी के ऊपर इसने क्या किया कि वो जो फ्लावर पॉट था जब वो टेबल पे रखा हुआ था उसी इमेज को अपने माइंड में फ्रीज कर दिया मतलब उसको वो उठता हुआ दिखा ही नहीं बाकी सबको दिखा ये दो एक्सट्रीम है सर दोनों ही वैसे सही नहीं है बट जो दोनों ने right. माना वो ही उन्हें दिखा एक तरह से राइट right. अब इस एक्सपेरिमेंट की बात मैंने क्यों करी क्योंकि अब मैं जो आपको कहने वाला हूँ hmm. उसका हो सकता है एक परसेंट भी आपके अंदर नहीं जाएगा <laughs> <laughs> हो सकता है सर दिस इज अश रियालिटी क्यों क्योंकि बचपन से ही hmm. ऐसी hmm. कंडीशनिंग हो रखी है hmm. इस तरह का एक बायस हमारे माइंड में बैठा हुआ है गवर्नमेंट hmm. जॉब को लेकर के कि ये बात समझ ही नहीं आएगी जो बात मैं बोलने वाला हूँ वो मैं क्या कह रहा हूँ बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई रास्ता हमको बहुत आसान लग रहा होता है वो एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब सर ऐसा मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा मुझे लगा ये इजी होगा बट लास्ट में सर सारे प्रोसेस करने के बाद मैं एक मार्क से रह गई तो मुझे लगा कि यार जब इजी प्रोसेस में ही अनसर्टेनिटी है तो हार्ड प्रोसेस ही ट्राई कर लो बात तो एक ही है अगर अभी आपने जो बोला है उसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले कर दू और आपको ही सुनाऊ तो आप देखोगे कि ये जो आपके बायसेस हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं अच्छा क्योंकि अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये आसान रास्ता हाँ। है हाँ। और वो मुश्किल है हाँ। तो जो मुश्किल है उसमें आप सक्सेसफुल कैसे होंगे आप क्या कह रहे हो आसान में मेरा नहीं हुआ तो कुछ मुश्किल ही कर लू मैं क्या कह रहा हूँ मैं भी कुछ और कह रहा हूँ मैं वो कह ही नहीं रहा जो भी आप कह रहे हो हाँ। या जैसे आप सोच रहे हो हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है <laughs> उसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है ये फैक्ट है उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया और कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ऐसी लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल है yes, एक्चुअल में वो बिल्कुल भी आसान नहीं है सर कंडीशनिंग ब्रेक कैसे न हो होने से पहले ना होने के बाद नाउ योर क्वेश्चन नो ये कंडीशनिंग ब्रेक कैसे होती है जब आप अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है अपने बायसेस है उसको छोड़ करके पूरी अटेंशन के साथ बिना किसी फिल्टर के एज इट इज सुनने लग जाते हो एज इट इज देखने लग जाते हो चीजों को तब बायसेस ब्रेक हो जाते हैं पॉसिबल होता है सर बाय हंड्रेड परसेंट पॉसिबल होता है अगर वो ब्रेक नहीं होते तो दुनिया में जो भी लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो कैसे कर पा रहे हैं जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी अगर हम आज की बात करें या आज से दस साल बाद बीस साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात करें तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है उससे अलग कैसे हो सकता है हाँ, वही पे कैपिटलिज्म की तरफ ही हाँ, तो जा रहे हैं सर। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जाएगी इकोनॉमिकली तो क्या साइकोलॉजिस्ट की जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी नीड बढ़ेगी या कम होगी बढ़ेगी बट बड़ सर अभी भी ना वो है स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास तो लोग चले जाएंगे बट अच्छे से अच्छा पैसे कमाने वाला भी ना साइकोलॉजिस्ट को स, जैसे ही प्राइस देखते हैं ना सर क्योंकि वन वन आवर के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं पंद्रह सौ रुपये एक घंटे के तो ना उनको लगता है खुद ही सॉल्व कर लेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास क्या जाना ऐसे भी होता है सर ये जो अभी आपने बात बोली डू यू नो इट फॉर श्योर या ये भी आपका अपना एक बायस है सर वैसे एक दो एक्सपीरियंसेस फैमिली में मतलब किसी का देखकर कर हाँ सर पता नहीं अब मैं आप कह रहे हो आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा आई होप आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो जहां पर अर्निंग ही मान लो महीने की तीस चालीस हजार या पचास हजार रुपये है वहां पे अगर किसी को हजार दो हजार रुपये एक घंटे का देना पड़े तो कोई भी नहीं देगा या देने से पहले हजार बार सोचेंगे हाँ कोई इमरजेंसी आ जाए तो लाख रुपए भी हॉस्पिटल में दे देंगे कहीं हाँ। से भी लेके देना पड़े बट ऐसे नहीं देंगे क्योंकि ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं बट कोई ऐसी फैमिली जहां पर ये पेरेंट्स मान लो महीने का दो तीन लाख रुपए कमा रहे हैं दोनों मिलकर के या अकेले वहाँ पर उनको हजार दो हजार रुपये अपने बच्चे के नाम पे अगर देने पड़ जाए किसी साइकोलॉजिस्ट को और उनके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या वो सोचेंगे नहीं क्या इसके लिए मार्केट है या नहीं है हाँ मार्केट तो सर बहुत है क्योंकि अब कोविड के टाइम पे तो और काफी लोग आने लग गए थे काफी लोगों को मेंटल बेसिकली देखना ध्यान से समझना मैंने क्या कहा कि वो मुश्किल है जिसको आप आसान समझ रहे हो या हुँ. जो दुनिया जिसको आसान समझ रही है यानी कि गवर्नमेंट जॉब वो मुश्किल है तो आसान क्या है आसान ये है कि कोई ऐसा काम करो हुँ. जो आपको करना पसंद है विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट यू जस्ट सेड साइकोलॉजी कि यू आर पैशनेट अबाउट इट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क अब आप अपने आप को इमेजिन करो दस साल बाद आप क्या करते हुए देखते हो कि आप वन ऑन वन ऑनलाइन या आपका कोई क्लिनिक है जहां पर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो क्योंकि उसमें भी अलग अलग सब हैं, हैं। है कैटेगरीज हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग है क्लिनिकल अलग है ये है वो है तो आप कहाँ अपने आप को देखते हो बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है उसके अलावा फ्री लैंसिंग बेसिस पे भी आप कर सकते हो तो कहाँ देखते हो अपने आप को दस साल बाद एक ऑप्शन ये है दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिसमें कोई बुराई नहीं है बट मे भी वो काम करना आपको पसंद नहीं है सर पर कभी कभी डाउट आ जाता है कि आप गुड इनफ होगे या नहीं क्या आप सर जैसे आप हो सर आप लोगों की प्रॉब्लम आप तो साइकोलॉजिस्ट की तरह लगते हो आप एकदम से समझ के पहचान लेते हो तो ये आप कैसे कर लेते हो कि एकदम से दूसरों की बातें तो मुझे डाउट आता है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पाऊंगी या नहीं क्योंकि लोगों के इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो यहाँ पे सेल्फ डाउट भी आ जाता है थोड़ा सा ये सेल्फ डाउट अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हाँ। हाँ। अगर मैं भी आज से पंद्रह साल पीछे चला जाऊँ तो शायद मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे क्योंकि मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं तो मैं किस बेस पे आपसे बात करूँ हाँ

अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है That was a different person altogether. उस पे प्यार आता आता <laughs> आता है, है। ऐसे गुस्सा नहीं नहीं। कि यार ये क्यों बिल्कुल भी, करी, नहीं। ये भी नहीं। कितना? क्योंकि बिल्कुल ऐसा है ना कि अपने बच्चे को जब आप चलते हुए देख रहे हो तो क्या गुस्सा आता है वहाँ पे या प्यार आता है प्यार अरे देखो वो धीरे धीरे नहीं अभी तो आपका बच्चा होगा ही नहीं अभी हाउ सर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ठीक है

कई कई ऐसे मिलेंगे जिनके पाँच सौ हजार दो हजार रिव्यूज भी हैं हर कोई तो रिव्यू देता नहीं है कितने देते होंगे हार्डली दस परसेंट तो अगर किसी के पाँच सौ रिव्यूज हैं तो पाँच हजार सेशन के थ्रू ऑनलाइन वो साइकोलॉजिस्ट कर चुका है या कर चुकी है पाँच हजार मल्टीप्लाइड बाई हजार रुपये वो चार्ज करते हैं कितना कमा चुके हैं अब तक सर सिक्स जीरो पचास लाख रुपये तो क्या ये फाइनेंशियली इसको सक्सेस बोलेंगे या नहीं है ये सर ये तो मतलब ज़्यादा ही है जो हम हम नॉर्मल सोचते हैं उससे तो उतना तो उतना उसमें सोच नहीं पाते तो अब देखो ध्यान से समझो अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो मैं क्या करूंगा इसको ऐसे रखें क्योंकि आप क्या करोगे वो आपकी कॉल है हुँ. मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला बट मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो मैं क्या करूंगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर डू यू टू नो यस मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं हुँ. मैं इस तैयारी को बिल्कुल बंद कर दूंगा साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है हुँ. योगा में मेरा इंटरेस्ट है फिटनेस में हाँ योगा कहे या फिटनेस कहे फिटनेस कि फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है फिटनेस किसकी? बॉडी की एंड माइंड की माइंड की, की. इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सिर्फ आपके लिए नहीं किसी के सबके लिए, सब लिए. लिए. चाहे किसी के पास में एक लाख रुपए है Hmm. चाहे एक करोड़ है चाहे एक लाख करोड़ है बॉडी hmm. की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है सर फैक्ट बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ टाइम के साथ साथ खराब होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर जो हम खा रहे हैं दैट इज पोल्यूटेड जो हम ब्रीद कर रहे हैं हवा दैट इज पोल्यूटेड जो हम पानी पी रहे हैं वो भी कोई नेचुरल नहीं है नदी से निकाल के नहीं hmm. पी रहे हैं तो सब तरह पॉल्यूशन है जिसकी वजह से बॉडी की हेल्थ फ्यूचर में लोगों की और खराब होने वाली है लाइफ स्टाइल ऐसा है हिल नहीं रहे हैं है तो बॉडी की हेल्थ की उड़ने वाली है जितनी बॉडी की हेल्थ खराब होगी उतनी ही माइंड की हेल्थ खराब होगी इंटरकनेक्टेड है ऊपर से माइंड के लेवल पे इस तरह के प्रेशर्स हैं आज की डेट में लोगों के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है और धीरे धीरे वो प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा बिना कंपनीज के ग्रो करे गवर्नमेंट कैसे ग्रो करेगी उनको टैक्स की रेवेन्यू कहाँ से आएगी अब कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं जब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे होंगे। वो ज्यादा सेल होंगे ज्यादा सेल होंगे सिर्फ सेल नहीं होंगे ज्यादा सेल होंगे ज्यादा सेल कैसे होंगे जब आपके अंदर अभी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है जितनी भी आपकी नीड्स हैं वो बढ़ेंगी उसको बढ़ाया जाएगा नहीं तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी आज जिसके पास में स्कूटर है अगर उसके माइंड में एक गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा जिसके पास में छोटी गाड़ी है उसके माइंड में एक बड़ी गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा तो कंपनीज कैसे ग्रो करेंगी और ये कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो फाइनेंस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा कोई तो गाड़ी फाइनेंस क्यों कराएगा फाइनेंस नहीं कराएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम का क्या होगा तो इस सबकी वजह से क्या होने वाला है साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने वाला है हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ने वाली बढ़ने है टाइम के साथ साथ कितनी बढ़ने वाली है उसकी कोई हद नहीं है अब अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हाँ। अब मैं अपनी एंट्री कैसे करूं अब एक एंट्री बैरियर है क्योंकि होता क्या है अगर कोई प्रैक्टो पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं और सबसे अच्छे रिव्यूज है ना तो मेरे पास में नंबर ऑफ रिव्यूज हैं नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है मेरे जीरो जीरो जब नंबर ऑफ रिव्यूज़ जीरो हैं तो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज की तो बात ही नहीं उठती hmm. तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा मार्केटिंग hmm. के रिव्यूज कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं yes, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा yes, sir. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा yes, sir. तो मैं क्या करूँगा मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है hmm. यानी कि थेरोटिकल नॉलेज है उस पर इतना जोर नहीं दूंगा hmm.

समझ गए हेंस प्रूफ बिल्कुल समझ आ गया आगे बढ़ते हैं हाँ। तो दो साल का मास्टर्स है वो मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया अब मैं क्या करूँगा अब मैं बारीकी से समझूंगा कि इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑनलाइन में जहाँ से कि लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं यानी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं तो वो एक नहीं होगा वो मल्टीपल होंगे हाँ।

क्योंकि तो अभी मुझे क्या चाहिए रिव्यूज चाहिए मान लो सब लोग चार्ज कर करे हजार रुपए दो हजार दो सौ रूपये सर पर कभी ऐसे तो नहीं लोग सोचते कि ये ये कम है इसको ये अच्छा ही नहीं होगा सोचने दो तो, अच्छा ऐसा सोच करके बहुत लोग छोड़ देंगे बट वो लोग मेरे पास में उस टाइम पे आएंगे जब मैं दो हजार चार्ज करूंगा ऐसा सोचते है लोग है ना सोचते हैं बट मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं ना आपको सब तो कभी भी नहीं मिलेंगे ना दो सौ रुपये पे भी आपको सब नहीं मिलेंगे दो हजार पे भी सब नहीं मिलेंगे कुछ वहां मिलेंगे कुछ यहां मिलेंगे बट मैं बात कर रहा हूं मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊंगा शुरू करूंगा दो तीन सौ रुपये चार सौ रुपए वट एवर जो भी रीजनेबल लगे सुनने में इतना भी कम नहीं कि पचास रुपए में शुरू कर दिया मतलब सामने वाला कहेगा ये क्या बकवास है <laughs> ये तो बिल्कुल ही बेकार होगा <laughs> मतलब सामने वाले को ये लगा कि अच्छा मैंने चार सौ रुपये स्पेंड करे लेकिन मेरे को दो हजार की वैल्यू मिली फिर उसको मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है तो प्लीज वहां पर जाकर के आप रिव्यूज पोस्ट करो अगर वो नहीं करेगा तो बार बार उसको फोन करूंगा

जैसे फोटोग्राफी में हुँ. किसी को हमारी फोटोग्राफ अच्छी लगेगी किसी को किसी और की अच्छी लगेगी तो जिसको वहां की अच्छी लगेगी वो वहां चला जाए जिसको हमारी अच्छी लगेगी यहां आ जाए एक पिकासो नाम का भी पेंटर है हुँ. उसकी करोड़ों की भी पेंटिंग्स बिकती हैं एक पेंटर है उसकी दो हजार की भी कोई नहीं लेता है आर्ट है ना ऐसे ही ये जो साइकोलॉजी है दिस इज एन आर्ट एज वेल एज अ स्किल इसकी कोई वैल्यू नहीं है कहाँ तक जा सकते हो अपर लिमिट कोई नहीं है तो अभी तक जितना भी मैंने कहा आपका कुछ माइंड क्लियर हुआ जैसे आप आए थे यहाँ पर तब आपने बोला था हाँ कि सर मेरा काफी मतलब मेरे यही डाउट्स थे मेन जो अगर मैं बोलूँ कि यही मेरा एक मेर से रिलेटेड तो यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो मेरे को काफी मुझे ना सर जब मैं पढ़ती हूँ ना साइकोलॉजी तो मुझे यही लग रहा था कि इतने सारे लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं तो कैसे कैसे इसको एप्लीकेशन कैसे करना है और साहब आपने सर बिल्कुल वो ही चीज़ ही बताई है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे देखना है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करूंगी थैंक यू थैंक यू